हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल इस्लाम सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पैन कार्ड में आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। पहले आपको इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। जो नंबर और ईमेल आईडी को आपको ऐड करना है। और दोस्तों याद रखिए दोस्तों, इस मेथड के लिए आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे EKYC के थ्रू आपके नंबर और आपका ईमेल आईडी को ऐड किया जाएगा। डिटेल डालने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ कैप्चा का एक ऑप्शन दिया जाएगा। कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे बोला जाएगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस कर पाइएगा। यहाँ पे कंटिन्यू टू KYC पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, आपको यहाँ पे उसको डालना है। डालने के बाद अब यहाँ पे आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा आपके एड्रेस कंफर्म करने के लिए। एड्रेस कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे नीचे की तरफ देख पर एक वेरीफाई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। एड्रेस वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका नंबर और ईमेल आईडी शो किया जाएगा। ये दोनों चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTP सेंड किया जाएगा। OTP सेंड होने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना OTP को एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे मोबाइल का OTP मैंने डाल दिया और यहाँ पे मेरा ईमेल का OTP भी आ गया है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद अब यहाँ पे आपको वैलिडिटी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका रिक्वेस्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे सेंड कर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको जनरेट एंसेप्ट प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको आपका रिसिप्ट जो है डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि आपका जो रिसिप्ट है वो आपके ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लॉगिन पेज भी हमें रिसिप्ट मिल गया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए। दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपने पैन कार्ड में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।